कार सतनाम करता पुरख ने पौने वैर काल मुरत जूनी सैभम गुरपुर साथ जा पास सच जुगाद सचे है भी सचे नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान से देखिएगा इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को। सो इफ secant a plus tan a into secant b plus tan b into secant c plus tan c is equal to secant a minus tan a, secant b minus tan b is equal to secant c minus tan c, prove that each side is equal to 1। ये प्रूफ करना। सो हमारे पास ये चीज गिवन है, ये जो चीज है ये गिवन है। आपने क्या करना है, इस साइड को भी और इस साइड को भी 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले दोनों साइड्स को ऑपोजिट साइन के साथ यहाँ पे देखो, सीकेंट ए माइनस टेन ए, सीकेंट बी माइनस टेन बी, सीकेंट सी माइनस टेन सी, दोनों साइड्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। मैंने कर दिया, मींस इस साइड में भी ये सीकेंट ए माइनस टेन ए, सीकेंट बी माइनस टेन बी, सीकेंट सी माइनस टेन सी, और इस साइड को भी मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई करा, सीकेंट ए माइनस टेन ए, सीकेंट बी माइनस टेन बी, सीकेंट सी माइनस टेन सी। अच्छा ये और ये दोनों देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये और ये देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये और ये देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये और ये देखो सर, दोनों सेम टर्म्स हैं, ये और ये दोनों सेम टर्म्स हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, सीकेंट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर ये और ये, सीकेंड बी माइनस टेन बी का होल स्क्वायर ये और ये, सीकेंड सी माइनस टेन सी का होल स्क्वायर ये। यहाँ पे क्या हो गया, पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट बन गया, स्क्वायर रूट वन इज वन, मतलब ये मेरे पास साइड आ गई वन, सीकेंट ए माइनस टेन ए, सीकेंट बी माइनस टेन बी, सीकेंट सी माइनस टेन सी इज इक्वल टू वन। ऑटोमेटिकली मेरे प्यारे से बच्चों, ऑटोमेटिकली हम क्या कह सकते हैं, अगर ये साइड इज इक्वल टू वन है तो ऑटोमेटिकली हमारी दूसरी साइड भी क्या होगी, अगर ये साइड वन आई है तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी वन ही होगी। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म।